फेस्टिवल है, तीन का लोकल ड्रेस आप देख सकते हो, ये अजरबैजान का लोकल ड्रेस है। अजरबैजान वेलकम टू अजरबैजान इनका मकसद। ओके बाय बाय नाज़नीन, थैंक यू सो मच, गुड बाय। फर्स्ट टाइम जो है अपने ट्रेवल हिस्ट्री में मैं हिच हाइकिंग की कोशिश कर रहा हूँ। एक घंटे का रास्ता है, हिच हाइकिंग की कोशिश कर रहा हूँ। फाइनली गाइज, घड़ी के हिसाब से 28 मिनट के बाद जो है ये भाई रुका है। ये कोई वैन है मेरे ख्याल से, पीछे ये बच्चा है और ये भाई है, इन्होंने जो है ना गाड़ी रोक के इनके साथ में बैठा हूँ, तो पहला एक्सपीरियंस जो है कामयाब हो गया। ये देखिए गाइज, यहाँ पे गबाला में एक रेस्टोरेंट है, पिज़्ज़ा लिखा हुआ है, यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा भी है। गाइज ये सबसे ऊपर पॉइंट है, ये यदि गुजल वाटरफॉल का, ये देख सकते हो ऊपर पहाड़ से ही आ रहा है। भाई लोग, ये तकरीबन 15 मिनट के बाद एक टैक्सी वाला आया है, उनके साथ बैठा हूँ। ये कह रहे मैं फ्री में भी लेकर जा सकता हूँ, लेकिन आप अगर 5 देना चाहो तो दे सकते हो। भाई ये जहाँ पे मैं खड़ा था ना, उसके बहुत करीब एक पेट्रोल स्टेशन है, ये आप देख सकते हो। मैं वहाँ आया, पानी भी लिया मैंने, और वहाँ पे चाचा जो है ना वो भर रहा था पेट्रोल, तो इनसे मैंने पूछा आप शेकी जा रहे, इन्होंने कहा हाँ, तो मैंने कहा मैं, मुझे भी ले जाए, मैं जो है ना वो हूँ, क्या कहते हैं, मेहमान हूँ, तो इन्होंने कहा कि ठीक है आ जाओ। अच्छा गाइज, वो हमारी जो वैन थी ना उससे मैं उतर गया हूँ। ये है सिटी, इसका नाम है ज़कातला। ज़कातला जो है ये अजरबैजान का एक सिटी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका, आई होप आप ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं हूँ अजरबैजान में, कैपिटल बाकू के अंदर। ये पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, निज़ामी स्ट्रीट है इनका फेमस, और इसके साथ साथ ये फाउंटेन स्क्वायर अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अजरबैजान बेसिकली मैं कोई 3 बार पहले भी आ चुका हूँ। 2017 में मैं फ़र्स्ट टाइम आया था, फिर 2018 में आया, फिर लास्ट टाइम 2019 में आया था, तो उसको तकरीबन 5 साल हो चुके हैं जो मेरा लास्ट विज़िट था अजरबैजान का। तो अभी मैं 5 साल बाद तुर्की में मैं था, तो मैंने कहा यार बोर हो रहा था, मैंने कहा चलो दोबारा चलता हूँ और देखता हूँ कि अजरबैजान के अंदर जो है एक्सपेंसेस कैसे है और क्या चेंजेस आए हैं, और एक रोड ट्रिप करता हूँ। जैसे अभी अगर आपको याद हो, हम लोग जॉर्जिया जा रहे थे तुर्की से, तो हम लोग फिर नहीं गए, तो अभी मैंने कहा यहाँ से जाते हैं और बाय रोड एक ट्रिप करते हैं छोटा सा, मतलब ये बाकू से आगे गंजा जो सिटी है या छोटे छोटे विलेजेस वगैरह है, तो वहाँ जाके उसके बाद जो है जॉर्जिया का भी करते हैं और आपके साथ शेयर करता हूँ। और मैं ट्रिप करूँगा ना लोकल, इनके जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बस वगैरह उसमें, ताकि पता चले कि यार इनका सिस्टम कैसा है। अभी ये पीछे जो है वो है निज़ामी स्ट्रीट है इनका मशहूर बाकू का, और ये फाउंटेन स्क्वायर है आप देख सकते हो यहाँ, तो ये थोड़ा सा टच दे रहा है यूरोप का, क्योंकि ये सोवियत यूनियन का पार्ट था ना बहुत अरसे तक ये अजरबैजान, तो इसीलिए इनकी स्ट्रीट्स में जब आप चल रहे होते हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप यूरोप में चल रहे हो। यूरोप का एक रियल टच देता है, तुर्की इस तरह टच नहीं देता जितना ये वो दे रहा है। ये जो बाकू या अजरबैजान जिस तरह का यूरोप का टच देता है, मेरे ख्याल से तुर्की उस तरह नहीं देता। और अगर आप पहले मेरी वीडियोज़ देख लो तो मैं ऑलरेडी यहाँ के सारी जगह दिखा चुका हूँ। ये जो बाकू है इतना बड़ा सिटी नहीं है, 2-3 दिन में आप आराम से जो है इसको कवर कर सकते हो। और इसमें जैसे ये है दरेलियो सेंटर हो गया, फ्लेम टावर्स है, ये साहिल है भी मैं आपको दिखाता हूँ, और दूसरी जितनी भी यहाँ पे चीज़ें हैं तो वो 2-3 दिन में आप देख सकते हो। और मैं ऑलरेडी इस पर डिटेल्ड वीडियोज़ भी बना चुका हूँ, और अभी भी जो है मैं आपको एक एक्सपेंसेस की जो वीडियो है उसमें आपको बताऊंगा कि अभी ये कितना एक्सपेंसिव है, यानी 2017 से या 2019 से जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था कोरोना से पहले। और गाइस इतफाक अनलकली जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था 2017 में, तो वो भी मार्च का महीना था, और अभी भी मार्च का ही महीना है 2024, तो 5 साल के बाद जो है 7 साल के बाद, उस टाइम भी नौरोज़ था। नौरोज़ इनका एक फेस्टिवल होता है, एक हॉलीडे होता है, ऑलमोस्ट एक हफ्ते तक ये लोग जो है वो छुट्टी करते हैं, और यहाँ बाकू में फेस्टिवल वगैरह होता है, मेले होते हैं, तो इनका जो ट्रेडिशन वगैरह है ना, ये ईद टाइप है एक फेस्टिवल। तो अभी भी आपको मैं दिखाता हूँ, ये इन्होंने उसके लिए एक छोटा सा वो मेला लगाया हुआ है, तो आपको ये दिखाता हूँ यहाँ बाकू में।
ये देखिए गाइस, ये छोटे छोटे इन्होंने स्टॉल्स और शॉप्स बनाई हैं और लोकल प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो है सेल कर रहे हैं। जब पहली बार मैं आया था ना ये बाकू, तो ये नहीं था सारा, ये बिल्कुल ये फाउंटेन स्क्वायर के पास ही है। ये नौरोज चूँकि फेस्टिवल है तो इनका लोकल ड्रेस आप देख सकते हो, ये अजरबैजान का लोकल ड्रेस है, स्पेशली नौरोज के हवाले से आपको यहाँ पे नजर आएगा। थैंक यू सो मच, इट इज़ वेरी नाइस। वेलकम टू अजरबैजान, इनका मकसद है। थैंक यू वेरी मच, तशक्कुरला सॉल। व्यूअर्स, ये बैकग्राउंड में जो आपको दिख रहा है ये कैस्पियन सी है और ये जहाँ पे ये वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है इसको बाकू बोलवार्ड कहते हैं। यहाँ पे एक बहुत मतलब आप कम से कम 7-8 किलोमीटर वॉकिंग ट्रैक है और इस पर बहुत रश मिलता है। अभी तो सर्दी है, इतना रश नहीं है, लेकिन जनरली यहाँ पर आपको बहुत रश मिलेगा। लोग ये सी व्यूज़ इंजॉय करते हैं और यही से आपको पीछे ये फ्लेम टावर्स और अजरबैजान का फ्लैग भी नज़र आएगा और साथ में ये ओल्ड बाकू सिटी भी है। इधर से जस्ट बाय वॉकिंग डिस्टेंस है, तो यहाँ मैंने कहा एक वॉक करता हूँ, फिर उसके बाद जो है ओल्ड सिटी जाऊँगा, वहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ कि क्या सीन्स है, क्योंकि ये नौरोज़ का सीज़न है तो बहुत सारे डेकोरेशंस वगैरह यहाँ पे देखने में आ रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, बाकू से अगेन अजरबैजान से। अभी सुबह सुबह हो गई है, बड़ा ज़बरदस्त मौसम है, आप देख सकते हो ये धूप निकली हुई है। अपने हॉस्टल से मैंने चेकआउट किया है, ये देखिए मेरा पूरा सामान सारा, अभी मैं बैकपैकर बन गया हूँ और अभी मैंने टैक्सी मंगाई है, मुझे जाना है यहाँ का जो सबसे बड़ा बस स्टेशन है बाकू का, वहाँ जाना है और वहाँ के बाद जो है आगे किसी और शहर जाना है, मुझे नहीं पता कि कौन से शहर में जाऊंगा। तो वंस अगेन रेंडमली एडवेंचर हो रहा है। अभी टैक्सी मैंने मंगाई है और उसका वेट कर रहा हूं और निकलूंगा थोड़ी देर में यहां पे इंशाल्लाह। गाइस, तकरीबन 25 मिनट के बाद जो है मैं पहुंचा हूं ये बाकू का जो बस टर्मिनल है, शहर से ही बाहर है 13-14 किलोमीटर। बहुत तेज़ हवा चल रही है, सर्दी है यहां पे, तो ये शहर के आउटस्कर्ट्स में है। यहां से बाकू, ये अजरबैजान के सारे शहरों में बसेस जाती है और यहां से बाहर भी जाती है, जैसे रशिया, जॉर्जिया वगैरह। तो ये देखिए, इसका नाम है बाकू इंटरनेशनल बस टर्मिनल और ये काफ़ी बड़ा है, इन्होंने बनाया है। तो देखते हैं, अभी टिकट वगैरह फाइंड करते हैं। ये एक शॉपिंग मॉल के अंदर है ये बस स्टेशन जो है, ये देखिए थर्ड फ्लोर पे जाना होगा। ये बेसिकली एक शॉपिंग मॉल है पुराना टाइप का और इससे गुजर के आपको फिर फाइंड करना पड़ता है ऊपर थर्ड फ्लोर पे टिकट का ऑफिस। लिफ्ट मिल गई है, लिफ्ट में जाते हैं। यहाँ पर सामान रखने की जगह भी है, स्टोरेज, छोटा सा कैफ़े। और ये जो है ना असल बस टर्मिनल ये है, थर्ड फ्लोर पे छोटी सी दुकान है, सामान बेच रहा है ये। और ये बसेस नज़र आ गई है, गबाला, ओगुज और गबाला, और ये शक्की जा रहा है, मुझे भी शक्की जाना है आई गेस। ये है रियल लाइफ भाई, ये इस तरह बस स्टेशन पे आपको पता चलता है।
कि रियल लाइफ क्या है। ये टिकट मिल गया है जी 7 मनात और 80 सेंट्स, यानी तकरीबन $5 का टिकट मिला है। 5 मिनट की बस ये जाएगी, बाद ये बस जाएगी। अभी जो टिकट मिला है ना, वो एक शहर है, इस्माइली नाम है। ये मुझे जो आगे जाना है ना, कुछ शहर है जैसे गबाला हो गया, शिकी तक मुझे जाना है। ये एक माउंटेनियस रीजन है अज़रबैजान में। तो यहाँ से चलते चलते शिकी और उसके बाद फिर गंजा जाऊँगा, वहाँ से फिर आगे जॉर्जिया जाऊँगा बाय रोड। तो इसीलिए अभी जो टिकट मिल रही थी 1 बजे, तो वो इस्माइली एक शहर है, ये अज़रबैजान का छोटा सा शहर है, गांव टाइप है, तो उसका टिकट मिला है। तो मैंने कहा चलो बस इसमें चढ़ जाता हूँ। हालांकि जहन में नहीं था कि कहाँ जाना है, इरादा तो था कि इसी रीजन में जाना है, लेकिन मैंने बोला चलो या गबाला चलते हैं या शिकी चलते हैं। लेकिन अभी इस्माइली का टिकट मिला है, तो बस अभी आने वाली है, वेट कर रहे सब लोग, तो इसमें चलते हैं और कुछ हल्का फुल्का पानी वगैरह लेते हैं। और कुछ ये इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं ना, ये बिस्किट्स वगैरह और ये केक्स वगैरह आप देख सकते हो। मरहबा, सलाम, सू निकदर, ओके। ये देखिए जी, इनकी रोटियां देखिए, ये बस स्टेशन पे आपको मिलेंगी, ठीक है, कहीं और नहीं मिलेंगी ये इस तरह की रोटियां आपको बाकी सिटी बाकू में। ये देखिए व्हाट इज़ दिस थिंग। और इसके पास जो है ना शवारमा भी है। ये हमारी बस आ चुकी है, छोटी सी बस है, आप देख सकते हो इस्माइली लिखा हुआ है। ये मैं समझ रहा था बड़ी बस है, लेकिन ये बड़ी बस नहीं है, छोटी सी है, देख सकते हो। इसके अंदर के मनाजिर आपको दिखाता हूँ। इस्माइली, हाँ वाह, ये देखिए। जी व्यूवर्स, 1.5 घंटे के बाद हमारे ये मिनी बस ने स्टॉप किया है यहाँ पे। शमखी नाम है इस इलाके का, ये एक प्रॉपर सिटी है। और यहाँ पे ये भी बहुत मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पे एक मस्जिद है, जुम्मा मस्जिद, वो भी बड़ा मशहूर है, और अज़रबैजान में सबसे तारीखी मस्जिद है, यानी कि सबसे पहले बनाई गई थी। और यहाँ पर वाशरूम वगैरह है, छोटा सा 5 मिनट का स्टॉप है, रेस्टोरेंट भी है, खाना वगैरह खा सकते हैं। और ये सिटी है, ऊपर पहाड़ वगैरह भी है। तो 1 घंटा और लगेगा, फिर हम पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन पे। तो ये होता है जी, आप इस तरह फिर लोगों से मिलते हो और रियल लाइफ देखते हो किसी भी कंट्री का, जब आप रोड ट्रिप करते हो। ये हमारे साथ एक छोटी बच्ची जा रही है, इसका नाम नाजरीन। योर नेम इज़, व्हाट इज़ योर नेम? Nazrin. My name is Nazrin. Nazrin, you are from which city? Yes. Which city are you? Ismaili. Ismaili. We are going to Ismaili, right? Yes. Usme hum log bus mein ja rahe hain Nazrin ke sath. What is special about your city? What is the famous thing in your city, Ismaili? Tourist place. Yes. Have. Yeah. Places have. Okay, okay. Thank you very much for talking to me, okay? You can see on my channel this video. What's your channel? Flying the World. I will show you in mobile, okay? Okay. Okay, bye bye. Patna ki di chhatras bhi
भी उड़ रहा है। ओके बाय बाय नाज़नीन, थैंक यू सो मच, गुड बाय। गाइस फाइनली हम लोग ये इस्माइली पहुंच गए हैं। यहाँ सर्दी थोड़ी ज़्यादा है, ये हमारी मिनी बस थी जो कि चल पड़ी है। यहाँ से मैं उतर गया हूँ। यहाँ पे ना सर्दी थोड़ी सी ज़्यादा है। ये जो इस्माइली सिटी है, छोटा सा सिटी है, इसकी 28,000 आबादी है गूगल पे जो हमने देखा है, लेकिन प्रॉपर एक शहर बना हुआ है। आप देख सकते हो छोटा सा खूबसूरत सा, मैंने अभी चेक किया है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी हैं। अच्छा, जो रास्ते से हम लोग आए हैं ना बाकू से यहाँ, तो 3.5 घंटे हमें लगे हैं। मैं तो सोच रहा था कि इतना नहीं लगेगा, 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, लेकिन ये है कि थोड़ा ज़्यादा लगा। ये बच्चा भी था हमारे साथ उसमें, अपना मिनी बस के अंदर। तो रास्ता असल में ख़राब था, रोड जो है कहीं पे बन रहा था, कहीं पे टूटा हुआ था, कहीं पे दुनती, और ये पहाड़ों के ऊपर जो है ना चढ़ रहा था ये जो बस थी। तो पहाड़ों पे चढ़ के ऐसा रास्ता था जैसे आप लोग नारायण कागान में जा रहे हो ना और फिर बाबूसर टॉप पे पहुंच जाते हो, तो उस तरह का सीन था यहाँ पे। अगर गर्मी, अभी तो सर्दी है ना, ये देखो सारे जो दरख्ते मरख्ते हैं कोई भी सारी सूखी हुई है, मतलब कोई ग्रीनरी नहीं है। और अगर ये गर्मी में यहाँ पे आ जाए ना, तो मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको ग्रीनरी मिलेगी, बिल्कुल जो है मरी वाला सीन होगा, नारायण कागान या स्विट्ज़रलैंड वाला सीन भी हो सकता है। लेकिन अभी तो सारा कुछ सूखा सूखा है, आप देख सकते हो। तो मैं असल में ना अभी आप कह सकते हो कि लॉस्ट हो गया हूँ। लॉस्ट से मुराद जैसे बंदा कहीं जाता है किसी जगह पे जहाँ का कोई आता पता नहीं होता। अभी ये सिटी में आया हूँ, मुझे आगे गबाला जाना था, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ ये इस्माइली। और ये मुझे आइडिया नहीं है कि आगे क्या होगा। मुझे ये भी नहीं पता कि यहाँ पे होटल है या नहीं है, कौन सा होटल लेना है। और मुझे असल में गबाला जाना था, जो थोड़ा सा तकरीबन यहाँ से 1 घंटे का और रास्ता है। तो हो सकता है मैं आज वहाँ चला जाऊँ, या यहाँ पे अगर हॉस्टल मिल गया तो फिर यहाँ पे जो है स्टे करके कल जाऊँगा। तो लॉस्ट हो गया हूँ, को गया हूँ यहाँ पे। और शायद मैं यही चाहता था कि मैं को जाऊँ और एक हकीकी मुसाफिर बन जाऊँ। अभी यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए पिट्ज़े वाला है यहाँ पर, ये इस स्टाइल की दुकानें हैं, ये डोनर है, रेस्टोरेंट है, और ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी है भाई। तो मैं तो बेसिकली चाय ढूंढ रहा हूँ, फिर आगे देखेंगे कोई कैफ़े वगैरह। ये भी प्रॉपर बना हुआ है जगह, सिम कार्ड वगैरह भी मिल रहे हैं, लेकिन हवा चल रही है, ठंड है यहाँ पे। इस्माइली में भाई बिल्कुल एक पहाड़ों के बीच में एक गाँव है, या छोटा सा शहर कह लो, तो एक अजीब ही सिस्टम है यार यहाँ पर। ये क्या है, कैफ़े है, हॉट डॉग वगैरह, देखते हैं एक मिनट। गाइस ये एक कैफ़े है यहाँ पे, आप देख सकते हो बहुत खूबसूरत है ये यहाँ पे, टोटली डिफरेंट। ये केक्स और बिस्किट्स वगैरह है, चाय भी मिलती है यहाँ पे। ये तो ये मिल गया, अभी यहाँ पे कुछ खाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये मैं अंदर का भी बताता हूँ, ये सीटिंग एरिया है। ये गाइस मैंने केक लिया है, और ये चाय ली है, यहाँ की लोकल इनकी चाय है, बिल्कुल तुर्किश टी की तरह है। और थोड़ा अच्छा सीटिंग एरिया आप देख सकते हो, बेटे है। तो ये केक लिए हैं, डोंट नो कैसा टेस्ट है, अच्छा है। ये खाने के बाद अब देखते हैं कि आगे क्या होता है इस शहर में। अच्छा गाइस सीन ये है कि चाय पीने के बाद जो है, अभी मैं ये मेन रोड पे आया हूँ, यहाँ पे सारी जो गाड़ियाँ हैं ना, टैक्सी वगैरह भी पुरानी लग रही है, बिल्कुल जैसे वो 1980-70 के ज़माने के, जो सोवियत यूनियन टाइम के, राइट। तो ये रास्ता भी जा रहा है गबाला, और मैंने इरादा किया है कि गबाला जाऊँगा, क्योंकि यहाँ से 1 घंटा दूर है, तो अभी शाम होने में 1 घंटा बाकी है। तो मैंने कहा क्यों ना ट्राई किया जाए,
कि वहाँ पहुँचा जाए, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ है नहीं ना देखने के लिए, और अभी वैसे भी रात हो जाएगी थोड़ी देर में, फिर कुछ भी नहीं होगा। इससे अच्छा है कि मैं अपने पहले डेस्टिनेशन पे पहुँचूँ जो कि गबाला है, उसके बाद मैं शिकी जाऊँगा। राइट, फर्स्ट टाइम जो है अपने ट्रेवल हिस्ट्री में मैं हिच हाइकिंग की कोशिश कर रहा हूँ। एक घंटे का रास्ता है, हिच हाइकिंग की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ले जाए मुझे। तो अभी यहाँ पे ये मेन रोड पे खड़ा हूँ, और जो भी गाड़ी आएगी उसको इशारा करूँगा, फिर आपको अपडेट करता हूँ कि कोई गाड़ी मिलती है या नहीं। तकरीबन 30 मिनट तक जो है ये कोशिश करूँगा, अगर नहीं मिली तो फिर टैक्सी वाला जो है 20 मनात मांग रहा है, यानी $10, तो फिर उसके साथ जाऊँगा। मुसाफिर मुसाफिर कोनाक कोनाक चाचा 20 रुपये मांग रहे हैं, मैंने कहा यार फ्री में ले जाओ। फाइनली गाइज, घड़ी के हिसाब से 28 मिनट के बाद जो है ये भाई रुका है, ये कोई वैन है मेरे ख्याल से, पीछे ये बच्चा है और ये भाई है, इन्होंने जो है ना गाड़ी रोक के इनके साथ मैं बैठा हूँ, तो पहला एक्सपीरियंस जो है कामयाब हो गया। तो चोक सालुन चोक तशकुरलर बू सिनिन बाबाम टाइम टाइम ओके, इनके अंकल है। सो सेन निर्दय की दियोर सुनुस गबालिया, ये गबाला, मैं भी जा रहा हूँ गबाला, कबाला भी कहते हैं उसको, और ये लोग भी वही पे जा रहे हैं। अदनिस ने यूनुस अदम अना अनार 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 नाम है उनका, और इनका यूनुस नाम है। तो नाइस टू मीट यू ममनून ऑल दम तुर्क बिलियर मुसनुस हाँ तमाम बेन ममनून ऑल दम चौक तशकुरला। तो अभी तकरीबन एक घंटा कच बिल साहब है गबाला कदर हाँ कुर्क दकीका 40 मिनट लगते हैं, तो इंशाल्लाह भी पहुंच जाएंगे। ये उनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने गाड़ी रोकी। ये देखिए इस तरह का सीन है, यहाँ पे सर्दी का मौसम है, और ये बिल्कुल जो है ना वो दरख्त वगैरह आपको नज़र आ रहे होंगे। ये थैंक यू यूनुस। अच्छा गाइज, मैं खैर खैरियत से ये गबाला पहुंच गया हूं, तकरीबन 40 मिनट और लगे हैं। वहां पे स्माइलीज है, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा इन लोगों के साथ, और ये पहली हिच हाइकिंग है मेरी इतने पिछले 10 साल के अंदर, और 28 मिनट की कोशिश के बाद जो है ये सक्सेसफुल हुई है, तो बहुत मज़ा आया है। इंशाल्लाह दोबारा भी इसको ट्राई करेंगे फ्यूचर में। ये छोटा सा हॉस्टल है, आप देख सकते हो ये बेड स्पेस है, घर के अंदर ये बना हुआ है। तो ये मैंने 30 मनात का यानी $17 का लिया है पर नाइट, और अभी रात का टाइम है, सर्दी यहाँ थोड़ी बढ़ गई है, तो बाहर जाके अभी खाना खाऊंगा, उसके बाद फिर कल यहाँ पे कुछ एक्सप्लोर करेंगे और फिर यहाँ से आगे निकलूंगा। ये देखिए गाइस, यहाँ पे गबाला में एक रेस्टोरेंट है, पिज़्ज़ा लिखा हुआ है, यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा भी है, तुर्की का है, पाकिस्तान का है, और अज़रबैजान का है। तो मैंने कहा आपको भी दिखा। मैं हॉस्टल के बाहर आया हूँ, रात का टाइम है, और ये रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको मैंने ये पाकिस्तानी फ्लैग भी दिखाया है, जगह जगह पे इन्होंने पाकिस्तानी फ्लैग भी लगाया है, और अज़रबैजान का फ्लैग भी है, और तुर्की का फ्लैग भी है, सारे एक जैसे फ्लैग आपको पता है। तो ये अभी पिज़्ज़ा शॉप है, पिज़्ज़ा मिलता है, और भी चीज़ें हैं, लेकिन पिज़्ज़ा जो है मेरे ख्याल से इनका अच्छा है। तो 17 मनात का है, या 20 मनात समझ लो सर्विस चार्ज के साथ, तकरीबन $12। तो कोई भी एक्सपेंसिव जगह है, क्योंकि ये वो है ना टूरिस्ट एरिया है थोड़ा सा। ये देख सकते हो बड़ा खूबसूरत रेस्टोरेंट है, डेकोरेट बहुत अच्छा किया है। ये खाने के बाद ये नाइट, और फिर कल सुबह मिलेंगे दोबारा आपसे। गुड मॉर्निंग गाइस अगेन, अज़रबैजान से। ये है जी गबाला का सिटी सेंटर, आप देख सकते हैं खूबसूरत शहर है ये, और बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर बना हुआ। ये पूरा एक पहाड़ी एरिया है, जहाँ रात को मैं आया था हॉस्टल से अभी निकल के, धूप निकली हुई है, बड़ा अच्छा मौसम लग रहा है। और ये जो कॉकोसस माउंटेन्स है ना, ये पूरा एरिया उसके नाम से जाना जाता है, जिसमें अज़रबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया और ये रशिया का भी कुछ हिस्सा आता है। तो इसके माउंटेन्स की जो रेंज है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होती है,
और अभी मैं रात को यहाँ पे आया हूँ तो काफ़ी सर्दी थी, अभी दिन में तो थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ है, लेकिन ये बहुत मशहूर डेस्टिनेशन है यहाँ अज़रबैजान में गर्मी के दौरान, क्योंकि यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त माउंटेन्स है, लेक वगैरह है, वाटरफॉल्स है। अभी मैं विज़िट करने वाला हूँ एक दो जगहों को, फिर यहाँ से मैं आगे नेक्स्ट सिटी जो है, जो मेरा मेन डेस्टिनेशन है, शेकी नाम है उसका, वहाँ जाऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यार, एक इतनी पुरानी कार जो है वो चलती है, टैक्सी में भी चलती है, लोग भी चलाते हैं, जैसे 1980 और 1970 के ज़माने के कार्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। बाकी इस वक्त तो आप देख सकते हो ये पूरा जो सिटी है इसमें होटल्स वगैरह भी है, मैंने तो हॉस्टल लिया हुआ था, लेकिन होटल्स भी है बड़े बड़े और रिजॉर्ट्स भी है, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मैंने तो रात गुजारी है, बड़ा मज़ा आया है यहाँ पे। अभी जो है मुझे यहाँ बोल्ट भी है, टैक्सीज भी है, लेकिन बोल्ट भी चलती है, तो अभी मैं बोल्ट मंगाऊंगा और उसमें जाऊंगा आगे। यहाँ पे एक लेक है उसको विज़िट करूंगा, उसके बाद देखूंगा कि हिम्मत है या नहीं आगे जाने के लिए और टाइम क्या हो रहा है, तो फिर हम यहाँ पे एक और भी डेस्टिनेशन को विज़िट करेंगे। बाकी जो है फिर बस पकड़ेंगे और अगली डेस्टिनेशन पे जाएंगे। ये है जी हमारी गाड़ी आ गई है बोल्ट की, लेक जाएंगे हम इस गाड़ी में 864। हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? Çıran. You speak English, no? Ne English? Türkçe biliyor musun? Türkçe evet. Türkçe maşallah. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Evet. Sen burada oturuyorsun? Evet, evet. Nerelisin? Ben Kebeleliyim. Kebeleli. Kebele. Tamam. Siz nerelisiniz? Ben asıl Pakistanlıyım. Oye kardeş. Evet kardeş. Ama İstanbul'da oturuyorum. İstanbul'da. Evet. Türkçe evet. Evet, Türkçe biraz biliyorum. Türkçe iyi. Evet. Böyle. Hoş geldin. Teşekkürler. Gezmek için geldim ben. Evet. Adınız ne? Adım Kamran. 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 Acha evet. Kamran bhai bolt chala rahe hain. Maine bolt mangayi hai sirf 3 मनात में, एक लेक है वहाँ जा रहे हैं, नुहूर लेक, नुहूर लेक मशहूर गुर्जर, गुजल। तो एक लेक है, झील है, वहाँ जा रहे हैं नुहूर। यहाँ का अट्रैक्शन आ रहा था टॉप गूगल में, तो मैंने कहा चलो वहाँ चल। हाँ याजदा कह रहे कि गर्मी में बहुत ज्यादा अच्छा होता है, अभी तो सर्दी है ना यहाँ पे, तो फिर भी हमने कहा चलो एक राउंड मार लेते हैं। यहाँ से 8-9 किलोमीटर दूर है और सिर्फ आप कह लो कि $1.5 से $2 में ये लेकर जाएगा। तो अभी आपको दिखाते हैं ये खूबसूरती, देखिए गबाला और अज़रबैजान का, ये सारे जो दरख्त आपको सूखे नज़र आ रहे हैं ना, ये भी गर्मी में, समर में ये आपको सारा ग्रीन नज़र आएगा। तो आप कह सकते हो कि स्विट्ज़रलैंड का जो है ना वो सीन होगा यहाँ पे और बहुत खूबसूरत होगा। अभी भी ये पहाड़ वगैरह सब नज़र आ रहे हैं, लेकिन थोड़े खुश्क नज़र आ रहे हैं। ये है गाइस नुहूर गुल यानी लेक। ये देखिए कितनी खूबसूरती से इन्होंने यहाँ पे ये अट्रैक्शन बनाया है, फैसिलिटीज ये देख सकते हो, रेस्टोरेंट्स और कैफेज। और वो बहुत करीब था यार, मैं सोच रहा था 7-8 किलोमीटर 9 किलोमीटर है, वो तो 3-4 किलोमीटर था। पता नहीं बोल्ट ने क्यों इतना दूर दिखाया है। 3 जो मनात हैं वो तो इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत कम रास्ता था ना, तो 3-4 में वो काफ़ी दूर तक चला जाता है। ये जो यहाँ का बोट बहुत चीप है यार। अभी देखिए ये बहुत सारी इन्होंने फैसिलिटीज़ बनाई हैं यहाँ पे, कैफेज, बैठने की जगह, इवन ये देखिए कश्तियाँ, बोटिंग वगैरह की एक्टिविटीज़ भी है। तो फुली यूटिलाइज़ किया है इन्होंने इस लेक, छोटे छोटे कैफेज और कॉफ़ी वगैरह। ये देखिए टेबल्स, इसका मतलब है कि भाई यहाँ पे मरहबा, यस आई कम बैक। ये जो है भाईजान गर्मी के मौसम में बहुत ही वो होगा, एक बहुत बड़ी एक्टिविटी यहाँ पे होगी टूरिज्म की, फॉरेनर्स की और लोकल की भी। आप देख सकते हो ये बोट्स है, वो जो पैडल से चलती है ना वो वाली बोट्स है, और इसके किनारे पे ये इन्होंने बहुत खूबसूरत, सर्दी से बचने के लिए आप देख सकते हो ये प्लास्टिक के डाइनिंग का रूम बनाया है, म्यूज़िक, सामने पहाड़ वगैरह भी है, तो हाइकिंग वगैरह की भी चीज़ें हैं अवेलेबल। और आज संडे है तो यहाँ के लोकल आवाम जो है आए हुए यहाँ पर विज़िट करने के लिए, ये लोग बैठे हुए फैमिलीज़।
मरहबा आफियत उलसुन तशक्कुर लर तशक्कुर लर। ये लोग नाश्ता कर रहे हैं। तशक्कुर लर चोक सॉल। ये नाश्ता कर रहे हैं जी सुबह सुबह। ये देखिए खूबसूरत लेक का पानी, खूबसूरत लेक का पानी है, बिल्कुल साफ सुथरा है, चारों तरफ पहाड़ है। और चूंकि ये जगह मशहूर है ना गबाला, इनको इनकी ज़ुबान में इसको कबाला भी कहते हैं या गबेले भी कहते हैं। ये मशहूर है असल में इसके लिए, मतलब माउंटेन्स के लिए मशहूर है। अभी थोड़ी सर्दी भी है इस वक्त, गर्मी में मेरे ख्याल से यहाँ बहुत ज़बरदस्त सीन होगा। जितनी भी दरख्त वगैरह है ये सारे जो है ना वो ग्रीन होंगे, तो फिर मज़ा आएगा यहाँ पे। और ये दोस्त जो है नाश्ता कर रहे हैं और खा रहे हैं, पी रहे हैं, फैमिली के साथ लोग आ रहे हैं, तो अच्छे लोग हैं यार गपशप के लिए। यू स्पीक इंग्लिश? शुए शुए अरबिक इंग्लिश। ओके अरबिक इंग्लिश बोथ। शुए 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 शुए। सो दिस इज द रेस्टोरेंट राइट? यस रेस्टोरेंट। ओके विच वन? दैट वन। ओके मेन्यू देखते हैं भाई का। हाँ माशाल्लाह वेरी ब्रेकफास्ट एवरीथिंग वेरी गुड। इनके पास ब्रेकफास्ट है 45 उसका दो पीपल का। yes. वो जो टर्किश स्टाइल का होता है ना सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल है। 4 पर्सन का भी है और बड़ा नॉर्मल प्राइस है, मतलब यहाँ पे जो लेक है उस हवाले से उसमें तमाम चीज़ें हैं इसके अंदर। अभी तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा करके आया हूँ नाश्ता, लेकिन फिर भी देखते हैं इसको। वो माशाल्लाह नाइस रेस एंड पलाव। और ये क्या है? ये मैं आपको दिखाता हूँ यार, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का पलाव है इनके पास। ये देखिए ये पलाव बंदा खा रहा हो। ये पलाव कौन सा है जी? 4 बंदों के लिए है। वो इनका तो बड़ा ज़बरदस्त है यार, नेक्स्ट लेवल का पलाव है। भूख पलाव एतवार दिस वन एट ओके हाँ शाह पलाव शाह पलाव तमाम तमाम। और ये आप अदनिस ने चाबिर चाबिर अच्छा चाबिर भाई जो है ना ये यहाँ पे वेटर है। और यहाँ पे ये खाने का कर रहे हो आप और ये सामने ये नज़ारे हो, तो वाह भाई वाह। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ एक, वो ये है कि यहाँ पे अजरबैजान में एवन बाकू में भी आपको जगह जगह पे दिखता है। और यहाँ पे भी जब मैं कल आ रहा था ना तो वो बहुत सारे ट्रकों पे मैंने देखा है कि पाकिस्तान के झंडे लोगों ने लगाए हैं। पाकिस्तान तुर्की और अजरबैजान का झंडा जो है एक साथ इन्होंने लगाया हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर तो खैर मल्टीपल ये लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए अजरबैजान और इस लेक में, तो इन्होंने ये सारे मुल्कों के झंडे लगाए हैं, जिसमें आप देख सकते हो अफगानिस्तान का भी झंडा है ये, और पाकिस्तान का झंडा भी ये रहा, आपको मैं दिखाता हूँ करीब से ये, और ये तुर्की का है। और लेकिन ये है कि स्पेसिफिकली पाकिस्तान तुर्की और अजरबैजान के झंडे जगह जगह पे हमने देखे है। इवन यहाँ भी है, देखे ये पेडल वाले बोट से इसके मरहबा निकदर ओन बेश मनात 15 मनात का है ये एक निकदर साथ निकदर जमन हाँ यर्मिदा की का 20 मिनट का ये बोट ट्रिप है। खुद चलाना होगा, वर्जिश भी हो जाएगी। और अभी तो हाँ अभी तो हमने वर्जिश कर ली है, 4 बंदे यहाँ बैठ सकते हैं कह रहा है, तो अभी तो मैंने काफ़ी पैदल वॉक किया है ना, तो मेरे ख्याल से अभी वर्जिश करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये हमने कहा लेक खूबसूरत सा है तो आपको दिखा दे, और लेकिन अगर आप आए तो ये वर्जिश ज़रूर कीजिएगा स्पेशली गर्मी के मौसम में, क्योंकि अभी तो सर्दी है। और प्राइस बिल्कुल नॉर्मल है, ये तकरीबन $7 बनेंगे और ये आप लेके तो कर सकते हो। मैं तो जाके वहाँ कॉफ़ी वगैरह कुछ वो कर लेता हूँ, उसके बाद जो है नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाऊँगा। अच्छा गाइज़ वो नुहोर लेक से मैंने वही गाड़ी की है, 3 मनात मैंने और दी है, और अभी हम लोग ये वाटरफॉल आए हैं। यहाँ का सेकंड जो मशहूर अट्रैक्शन है ना गबाला का, वो है ये, आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है 7 गुज़ल वाटरफॉल इसको कहते हैं। मतलब ये कि 7 छोटे छोटे शायद वाटरफॉल्स है, लेकिन वही बात है कि गर्मी में यहाँ बहुत ज़्यादा हलचल और लोग होते हैं। अभी सर्दी है, अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम दिखाते हैं आपको। ये एंट्री पॉइंट के बाद जो है यहाँ पे आपको ये स्टॉल्स नज़र आते हैं, जिसमें लोग ये नेचुरल प्रोडक्ट सेल करते हैं। ये सामने कुछ सुवेनियर्स वगैरह और टूरिस्ट के लिए जो है ना गारमेंट्स वगैरह की चीज़ें, ये ग्लासेस वगैरह बने हुए हैं, तो अभी भी एवन के सारे ओपन हैं, ये आप देख सकते हैं सुवेनियर्स। और छन एक लोग भी नज़र आ रहे हैं। हेलो हाउ आर यू, व्हाट यू आर सेलिंग ब्रो?
cherry, apple, anar, honey. Ah, everything. Good. How much is this one gilas? Different, different. 1 manat, 2 manat, 3 manat. Ah, good, good. What is that? Is honey? Honey, good price. Ah, good price. How much one bottle? Wow, nice. 10 manat, 15-20 manat ka original shahad lag raha hai. Original. Okay. What is your name? Rahmat. Rahmat. Okay, Rahmat. I come back, okay? हाँ ये देखिए चाय भी है ग्रीन टी वगैरह ये भी नेचुरल है अच्छा ये क्या कह रहा है ये चेस्टनट है जी चेस्टनट ये तुर्की में भी होता है इस्तांबुल में हर जगह पे और यहाँ भी है ये देखिए इसकी दुकान भी है तो ये आते ही ये मिल गया भाई ये देखिए यहाँ पे यदि गुजल का साइन भी है तस्वीर के लिए लेकिन एक मनात का है और पानी शुरू हो गया यहाँ से जी भाई ने शूटिंग भी रखी हुई है यहाँ पे और मैं ये महंगी वाली कॉफ़ी पी रहा हूँ जो मैंने अभी 8 मनात की वहाँ पे ली है नोहोर लेक के पास से और बिल्कुल जो है ना बकवास तरीन कॉफ़ी थी और महंगी तरीन बिल्कुल पानी में दूध डाल के ये कॉफ़ी बनाई है इन्होंने मरवा एवे तमाम एवे सैन की दूरसन एवे कामरान नसलसन हाँ माशाल्लाह इंग्लिश जब भी सुन आज तमाम ये मेरे साथ है बोल्ट की गाड़ी चलाता है और इसने कहा यहाँ तो कोई और सवारी मिलेगी नहीं तो बस आपके साथ ही रहता हूँ वापस जाएंगे थोड़ी देर में ये देखिए ऊपर रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं इसने बताया कि यहाँ पे याज द चौक इंसान लारवार बुर्दा चौक अरबलार हाँ सही भाई कह रहे कि गर्मी में ना बहुत लोग आते हैं यहाँ पे पाकिस्तानी अरब और यहाँ पे एक ही रोड है और जगह नहीं मिलती मतलब रोड जाम होता है ये देखिए अभी हम ऊपर हाइक कर रहे हैं ये ऊपर चढ़ना पड़ता है असल जो वाटरफॉल है वो देखने के लिए क्योंकि ये तो पानी नीचे आ रहा है और ये देखिए खूबसूरत रेस्टोरेंट्स बने हुए साथ साथ अब हमारी तगड़ी वाली हाइक चल रही है भाई आप देख सकते हो कामरान भाई के साथ ये भी इन्होंने बहुत बड़ा अट्रैक्शन बनाया है भाई ये टूरिस्ट का एक ग्रुप आया हुआ है ये देख सकते हो अच्छी तगड़ी भाई वॉक करनी पड़ती है हाइक करनी पड़ती है ऊपर और ये पहला वाटरफॉल है अभी भाई कह रहे कि ऊपर भी जाना है ऊपर जाएंगे इसने ही जान निकाल दी है देखते हैं ऊपर जाएंगे ये देखिए कुछ लोग भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये नीचे जा रहे हैं पानी ओहो ये रास्ता है ऊपर जाने का बिल्कुल जैसे पहाड़ चढ़ता है ना बंदा उस तरह का रास्ता है सुबह सुबह भाई टाइट मशक्क़त हो गई है गाइस ये सबसे ऊपर पॉइंट है ये यदि गुजल वाटरफॉल का ये देख सकते हो ऊपर पहाड़ से ही आ रहा है पानी और बहुत तेज़ आवाज़ है आपको शायद मेरी आवाज़ भी नहीं नज़र आ रही हूँ लेकिन आप देख सकते हो ये पानी वहाँ से आके नीचे जाता है ऊपर भी इन्होंने जगह बनाई है तस्वीर वगैरह लेने के लिए और खड़े होने के लिए और अभी जो है हम वापस जाएँगे नीचे यहाँ से नीचे के लिए जो है ना वो सामने ब्रिज है जहाँ से हम लोग अभी आए हैं अभी हम वापस जाएँगे और वापस जो है मज़े मज़े से जाएँगे क्योंकि जो ऊपर आने में हमारी जान निकली है हालांकि इतना नहीं है छोटा सा ही है लेकिन फिर भी क्योंकि जल्दी जल्दी में आप ऊपर आते हो ना तो काफ़ी जो है टफ टाइम मिलता है लेकिन अगेन वही बात है जैसे पिछली हमने कहा कि ये सारे जो दरख्त वगैरह है ट्रीज़ हैं और जंगल्स हैं ये गर्मी में सारे हरे भरे होंगे तो फिर इसका व्यू ही कुछ अलग होगा लेकिन अभी भी वाटरफॉल जो है उसी तरह ही है ये देखें ये वो रास्ता है जिससे मैं ऊपर आया हूँ और अभी नीचे जाते हुए कोई इशू नहीं होगा What is your name? Natik. Natik. Nice to meet you, Natik. Okay. Ye, what is his name? Malich. Malich? Yes. Okay. Bye bye. Bye bye. Bye bye.
ये बच्चे मिले हैं, मैं समझा कि यूट्यूब में आना चाहते हैं। वो कहते हैं कि पैसे अच्छा। गाइस, वाटरफॉल विज़िट करने के बाद जो है अभी मैं एक रेस्टोरेंट आया हूँ, इसका नाम है एंटेप रेस्टोरेंट। और आपको पता है मैं गाजियांटेप गया था तो उस तरह का ये नाम है। टर्किश फूड भी अवेलेबल है, सारे फूड अवेलेबल है। अभी मैंने अदना कबाब मंगाया है और एक सूप मंगाया है, इनका बड़ा मशहूर, और ये रोटी भी है साथ में। तो ये थोड़ा सा मतलब चीप है पिछले वाले से। इसके 10 ये जो अज़रबैजानी मनात है ना, तकरीबन $6 में ये सारा कुछ मिला है। तो दोपहर का टाइम है अभी, ये खाने के बाद जो है मुझे आगे जाना है शीकी। शीकी जिसको यहाँ पे अज़रबैजान में शाकी भी कहते हैं, यहाँ से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर है, तो 1 या 1.5 घंटा लग जाएगा। और मैं कल जैसे हिच हाइक करके आया था ना यहाँ, तो अभी मुझे थोड़ी सी हिम्मत हुई है मुझे, तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ भी हिच हाइक करने की कोशिश करूँ, क्योंकि अभी इस वक्त 2 बज रहे हैं दोपहर के, और शाम जो है 6-7 बजे हो जाती है, तो काफ़ी टाइम है। अगर हिच हाइकिंग नहीं मिली तो फिर कोई टैक्सी करनी पड़ेगी, क्योंकि बसेस ऑलरेडी जा चुकी है। सुबह में बस जाती है, उसके बाद बस नहीं होती। तो दैट्स इट गाइस, अज़रबैजान अभी इतना सस्ता नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये वाला जो एरिया है ना, ये थोड़ा सा चीप है बाकू से, और यहाँ के लोग भी थोड़े कंजर्वेटिव है बाकू से, क्योंकि ये थोड़ा पहाड़ी एरिया है ना। और जो शेकी है वो बहुत तारीखी, वहाँ पे लोग रहते हैं, बहुत बड़ी तारीख है उस सिटी की, वहाँ पे इनका एक रियल एक कल्चर है, और डिफरेंट है वो लोग अज़रबैजान से बाकी। तो इंशाल्लाह वहाँ पे मज़ा आने वाला है। अभी गाइस मैं ये हाईवे पे आ गया हूँ, ये रोड सीधा शेकी जा रहा है जहाँ मुझे जाना है, यहाँ से 1-1.5 घंटा दूर है। तो यहाँ से गाड़ी आएगी और मैं हाथ दूंगा, देखते हैं कि कितनी देर में जो है गाड़ी मिलती है हिच हाइकिंग के ज़रिए। अभी 2:10 है, तो टाइम गिनेंगे कि कितनी देर में गाड़ी आती है। ठीक है, ये रोड सीधा जा रहा है शेकी, तो देखते हैं, आपको अपडेट करते हैं। अगर कोई बंदा आता है ना तो अपडेट करेंगे। अभी भाई लोग, ये तकरीबन 15 मिनट के बाद एक टैक्सी वाला आया है, उनके साथ बैठा हूँ। ये कह रहे मैं फ्री में भी लेकर जा सकता हूँ, लेकिन आप अगर 5 देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन ये शेकी नहीं जा रहा है, ये ओहोज एक और शहर है वहाँ तक जा रहा है। तो ये दो भाई बैठे हुए आगे, और अभी इनके साथ जाऊँगा। मरहबा। भाई के साथ जा रहे हैं, तकरीबन आधा रास्ता जो है हो जाएगा ये जहाँ जा रहे हैं ओहोज सिटी, और उसके बाद फिर आधा रास्ता रह जाएगा उसके लिए कोई और जो है ना, देखेंगे कि क्या करना है। और ये जो है तुर्किश, तो आपको पता है यहाँ पे लोगों को समझ आती अदनिस ने फरीज फरीदा फरीदा ओके फरीद मेरे लेसन वाह ओहोज और दी और सर हाँ ये अगोश है जहाँ पे ये जा रहा है। बेन पाकिस्तान लियम गैजमा किचन गैलदिम अज़रबैजान पाकिस्तान कार्दिश मुस्लिम। तो बस थैंक यू सो मच चौक तशक्कुर सॉल, ये मुझे वेलकम कह रहा है अज़रबैजान में। और अभी जो है गाड़ी, आपको आप पता है यहाँ की बहुत पुरानी पुरानी गाड़ियाँ होती हैं, ये भी बहुत पुरानी है। मौसम बहुत ज़बरदस्त है और गर्मी है एक किस्म से, तो बस चल पड़े हैं अभी, देखते हैं क्या होता है इसका। खाना हम लोग रात में है, बाय बाय। ये है जी, इनके गाड़ी में आए हैं, थैंक यू सो मच। ये ओगोज एक शहर है, और ये करीब में बीच में पहाड़ों का शहर है। यहाँ पे आपने देखा होगा ग्रीनरी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, और मौसम भी थोड़ा गर्म है। और तकरीबन आप कह लो कि 40 मिनट में आए हैं इधर हम लोग इस गाड़ी में, और आगे 30 मिनट का रास्ता और है, यानी 30-35 किलोमीटर है। तो अभी ये यहाँ पे वेट करेंगे, एक चाचा भी वेट कर रहा है। इस को तो मैंने थोड़े से पैसे दी है, थोड़े से ही दी है मतलब, हालांकि उसने बोला रहने दो आप मेहमान हो, लेकिन चूंकि टैक्सी वाला था तो यहाँ पे ये पता चला है कि आप रोड पे खड़े हो कि ना टैक्सियाँ जाती है शेयरिंग में, उसमें भी जा सकते हो।
लेकिन अच्छा हुआ, बस एक्सपीरियंस अच्छा रहा अभी तक। तो अभी ये रोड पे कड़े हैं, इस तरफ से गाड़ी आएगी और इस तरफ जो है ना शेकी हमारा डेस्टिनेशन इस तरफ है। अभी यहाँ वेट करेंगे इंशाल्लाह। ओके भाई, ये जहाँ पे मैं खड़ा था ना उसके बहुत करीब एक पेट्रोल स्टेशन है, ये आप देख सकते हो। मैं वहाँ आया, पानी भी लिया मैंने, और वहाँ पे चाचा जो है ना वो भर रहा था पेट्रोल। तो इनसे मैंने पूछा आप शेकी जा रहे हैं, इन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा मैं, मुझे भी ले जाए, मैं जो है ना वो हूँ क्या कहते हैं मेहमान हूँ। तो इन्होंने कहा कि ठीक है आ जाओ। तो ये पता चला है कि जो पेट्रोल स्टेशन है ना वहाँ पर अगर जाके बात करेंगे ना तो हिचहाइकिंग मिल जाएगी, क्योंकि रोड पे कोई नहीं रुकता भाई जान। रोड पे मैं खड़ा हुआ था 10-15 मिनट, कोई नहीं आया। चौक साल, थैंक यू सो मच सेन, मेरे लिए सेन, मेरे लिए सेन बड़ा शिकीश नेट बड़ा ओस ओस ओ तमाम 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 बेन पाकिस्तान लियम पाकिस्तान वे अजरबैजान कार्दिश एवेट चौक तशक्कुर चौक साल बोईचिन। तो ये पहली रियल जो है ना हिच हाइकिंग है, पहली तो नहीं दूसरी है, कल भी एक ली थी। तो ये लोगों से आप मिलते हो ना बड़ा मज़ा आता है इस चीज़ में। तो अभी 30 मिनट के बाद इंशाल्लाह हम शेकी पहुंच जाएंगे। मेरे है ना तुम प्यार प्यार बन के आए हो मेरी जिंदगी, बहुत शुक्रिया यार चाचा का 30 मिनट की राइड दी है। यहाँ पे पहुँचा हूँ, ये देखिए गर्मी देखिए और बिल्कुल धूप निकली हुई है। शेकी ये सिटी है नॉर्थ अजरबैजान के नॉर्थ में, यहाँ से करीब रशिया भी करीब है, बॉर्डर रशिया का भी करीब है, और दूसरा जो है ना अपना जॉर्जिया का भी करीब है बॉर्डर। यहाँ से भी हम जा सकते हैं, लेकिन मैं वैसे दूसरे जगह से जाऊँगा जॉर्जिया। और ये काफ़ी बड़ा शहर है, इसकी 1 लाख से ज़्यादा आबादी है, तो एक प्रॉपर सिटी है अजरबैजान का और ख़ूबसूरत भी है। कल्चर भी इनका बहुत ही यूनिक है अजरबैजान में, लोग बहुत हॉस्पिटेबल है और ख़ूबसूरती जो है ना बहुत सारी यहाँ पे पहाड़ वगैरह है। अभी मैंने हॉस्टल किया है तकरीबन $11 का पर नाइट, तो अभी वहाँ जा रहा हूँ। मुझे यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, तो मुझे लगता है कि टैक्सी करनी पड़ेगी अभी, लेकिन खैर खैरियत से पहुँच गया यार आपके भाई का एक और सक्सेसफुल हिच हाइकिंग। व्यूअर, जहाँ पे वो चाचा ने मुझे उतारा था वहाँ से मैंने एक लोकल छोटी सी बस ली है और उस बस से यहाँ उतरा हूँ। बस ने सिर्फ हाफ मनात लिया है, तकरीबन 5 किलो का रास्ता था, 5 किलोमीटर का, और 50 पैसे दे करके मैं यहाँ पे उतरा हूँ। और यहाँ पे हमारा हॉस्टल है बेसिकली, इस जगह पे ये बिल्डिंग है ना, इसके पास सामने वो देखिए मार्केट्स वगैरह है, शॉप्स है, फार्मेसी है, और काफ़ी जो है इनिशियल वाइब्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं इस शहर के। ये देखिए इसका आर्किटेक्चर मैंने सुना है ऑनलाइन कि बड़ा यूनिक है और अच्छा है। ये देखिए ये हॉस्टल है, सेंट्रल हॉस्टल। हेलो, हाउ आर यू? सेंट्रल हॉस्टल, ओके, नाइस नाइस हॉस्टल। व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज़ राशिद। राशिद, राशिद, थैंक यू वेरी मच, I have booking in this hostel. Congratulations guys, एक तो मुझे बहुत अच्छी कॉफ़ी मिल गई है यहाँ पे, और सिर्फ 3 मनात में। वहाँ पे जो स्कैम हुआ था ना 8 मनात वाली कॉफ़ी का, उसका थोड़ा सा अजाला हो गया। और दूसरा ये कि ये मेरा बेड स्पेस है यहाँ शेकी में, ये मैंने ऑनलाइन बुक किया था, और ये छोटे छोटे रूम्स हैं, लेकिन बड़ा खूबसूरत और साफ़ सुथरा जो है ना हॉस्टल है ये। आप देख सकते हो ये सारे रूम्स हैं, यहाँ से बाहर का व्यू भी है, ये देखें गाइज। ये जो हॉस्टल है ना, ये बेड स्पेस 20 मनात का $11 का यहाँ पे पड़ा है, तो नॉट बैड। अभी सीज़न नहीं है लेकिन स्टिल इट्स ओके। यहाँ होटल्स भी है, लग्जरी होटल्स भी है, 5-star 4-star, लेकिन हम तो भाई बैकपैकर्स हैं और हिच हाइकिंग से आए हैं यहाँ, तो अभी बाहर चल के थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। व्यूअर्स, मैं निकल आया हूँ अपने हॉस्टल से बाहर, यहाँ शेकी में अभी मैं एक अट्रैक्शन विजिट करने जा रहा हूँ। तो मैंने देखा ये यहाँ पे रास्ता जो बना हुआ है ना, इसका सीवरेज सिस्टम
बिल्कुल पुराने स्टाइल का है। ये घर वगैरह भी आप देख सकते हो, सारे पत्थरों से बने हुए, लेकिन बहुत मजबूत घर है ये जो पत्थरों से बने होते हैं। और ये रोड भी पत्थर वाला है, ये भी बहुत मजबूत रहता है। और इसमें सीवरेज का सिस्टम जो है वो भी पुराने स्टाइल का है। तो अभी यहाँ पे एक महल है, वो विजिट करने जा रहा हूँ मैं बाय वॉक। हमारे हॉस्टल के से 10-15 मिनट के फासले पे ये देखिए ये कार है, ये 1970-80-90 वाली कार, जहाँ पे बहुत कॉमन है ये अजरबैजान में। गाइस शीकी में ये पीछे मैं आया हूँ, ये बेसिकली खान का महल है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सौ साल पहले खानों की हुकूमत रहा करती थी। और खान जो है वो बेसिकली वहीं से आए थे, अफगानिस्तान वाली साइड से, ईरान वाली साइड से, और यहाँ पे इन्होंने हुकूमत की है। तो अभी तक उनके जो महल वगैरह है वो भी बैकग्राउंड में आपको नज़र आ जाएंगे। आपको पता है मैं भी खान हूँ, मेरा पूरा नाम जो है अब्दुल वली खान है। और ये महल है छोटे से उसके अंदर बना हुआ है, बिल्डिंग के अंदर, लेकिन अभी बंद है, टाइम ख़त्म हो गया ना, मैं लेट हो गया हूँ थोड़ा सा, 6 बजे बंद हो जाता है। ये देखिए व्यूअर्स, सामने पहाड़ है, और ये 1950 मॉडल की गाड़ी आ रही है, और वो किला है, एक चाचा खड़ा हुआ है, और ये दुकान है जी, इसका नाम है हुसैन मार्केट और कैफ़े। तो हुसैन मार्केट में थोड़ा पानी लेना है मुझे। ये तो कैफ़े है जी, और कैफ़े के अंदर ही वो है दुकान है पानी की। व्हाट इज़ दिस, हेलो, वेयर इज़ वाटर, वाटर वाटर सू नहीं रहे सू, हाँ शारदा, ओके। ये है जी वाटर, ओके, छोटा काफ़ी है, बड़ा तो है अपने रूम में, ओके जी। ये लेते सुने का दर बिर मनात, वो कुचुक बिर मनात, हाँ। ये जी पानी है एक मनात का, इतना छोटा बोतल, हालांकि वहाँ मैंने मार्केट से ये बड़ी बोतल ली थी, किधर गई, एक लीटर की, वो एक मनात की, और ये इसने इतना छोटा सा दिया है। सामने से मैं एंटर हुआ हूँ, ये किला है, आप देख सकते हो वो पहाड़ है, और ये आर्किटेक्चर है जिसके लिए ये इलाका मशहूर है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, 2019 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। इसका ये ओल्ड टाउन है ना, शीखी जो सिटी है उसका ओल्ड इलाका ये वाला है, और इसको इन्होंने प्रिजर्व किया है, जितने भी पुराने तारीखी बिल्डिंग्स हैं, मसलन पैलेसेस है, ये पोर्ट्रेस है। ये देखिए अभी भी कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्शन चल रही है, सिल्क के हवाले से भी बहुत मशहूर है ये इलाका, सिल्क फैक्ट्रीज भी है यहाँ पे। ये देखिए सिल्क का वो बना हुआ है, ओहो चाचा तो ये भी बेच रहा है भाई, तीर सलाम संग चल रहे सखर से दस दी मेवी दी ये दो मनात है क्या, इक्की मनात, हाँ इक्की मनात, ये दो मनात का बेच रहा है, लेकिन यार ये बहुत मीठा है, बल्कि ले लेता हूँ ये बेट बिताने, ए बेत ए बेत, बहुत मीठा है, मकान नहीं सकता, लेकिन चाचा बेच रहा है, शाम का टाइम है तो ले लेता हूँ, इसका मजदूरी हो जाएगी इसकी ना, दो मनात का है यानी तकरीबन $1 के आसपास, ये ले लेता हूँ, बुजुर्ग आदमी है, और नहीं ये मुझे खाना नहीं है क्योंकि मीठा बहुत ज़्यादा होता है। और ओके थैंक यू, ओके तमाम तशक्रलार। ये देखिए ये कोट होता है सिल्क से बना हुआ, आई डोंट नो आप लोग बता सकते हो, मेरे ख्याल से तो सिल्क ही है। बुने का दर 250 मनात का भेज रहे, इसका मतलब ये ओरिजिनल है तो इसीलिए इतना महंगा है, तकरीबन $150 का है, हाँ तमाम ओके तशक्रलार ईगुनलार। ये देखिए किले के अंदर चाचा ने ये बनाया है, और ये दो का मैंने ले लिया इससे। और ये है जी यहाँ की मस्जिद है या चर्च है, आई डोंट नो, ये भाइयों से पूछते हैं। दिस इज चर्च और मस्जिद, दिस इज चर्च और मस्जिद, बू नेदर नेदमेक, हाँ मकबरा, ओके खान खान मकबरा, हाँ तशक्रलार सॉल, ये मकबरा है, मैं समझ रहा था कि ये वो है क्या कहते हैं चर्च है। ये देखिए भाई कितनी खूबसूरत गाड़ी है यार, नाइस, ये देखिए पुरानी तारीखी गाड़ियाँ, लेकिन इन्होंने ये शेखी वालों ने जो ये निशान दिए गए हैं ना कि टिकट ऑफिस उधर है, खान का पैलेस इस तरफ है वगैरह वगैरह, ये बड़ा अच्छा किया हुआ है, टूरिस्ट के लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो ये खान का मकबरा है बंदा कह रहा है, इसका स्ट्रक्चर भी बहुत खूबसूरत है। शेखी में शाम हो गई है, और ये शाम के वाइब्स है, आप देख सकते हो ये लाइट है ऑन हो गई है, और ये हेलो बाय बाय,
अच्छा ये देखिए सामने सिटी है, वापस मैं आ गया हूँ वहाँ ऊपर से और ये लाइटें वगैरह ऑन हो गई हैं। गुड मॉर्निंग गाइस अगेन, मेरे अजरबैजान रोड ट्रिप से। इस वक्त मैं शिकी में हूँ, कल मैं आया था, आपको पता है मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर भी किया है, लेकिन अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ। मेरा इरादा है कि मैं जॉर्जिया जो है चला जाऊँ बाय रोड बाय बॉर्डर, तो देखता हूँ अभी बस स्टेशन या करीब ही है, बाय वॉक जा रहा हूँ। वहाँ पर मैंने चेकआउट कर लिया, वो मेरा हॉस्टल है, बहुत खूबसूरत हॉस्टल था, बहुत अच्छा स्टे रहा। ये सिटी है छोटा सा खूबसूरत सा, और मैं देखूँगा कि अगर बॉर्डर की डायरेक्ट जो है बस मिल जाती है बस स्टेशन से तो वहाँ जाऊँगा, नहीं तो हम जो है दूसरी सिटी भी जा सकते हैं, फिर वहाँ से जो है आगे जाएंगे जॉर्जिया के बॉर्डर और फिर जॉर्जिया के बॉर्डर को क्रॉस करेंगे। तो ये सिटी मैं छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि ये इतना ज़्यादा वो नहीं है, मतलब थोड़ा सा और रेटेड मुझे लगा है। जितने ज़्यादा मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि यार यहाँ पे ये है वो है इतना सब कुछ है, उतना शायद नहीं था। तो कल जो मैंने विज़िट किया था मैंने कहा ठीक है बस वो काफ़ी है, आज थोड़ा मौसम भी ठंडा है तो इसीलिए मैंने कहा निकल जाता हूँ यहाँ से। लेकिन स्टिल यहाँ पे अगर कोई आता है ना तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है स्पेशली समर में, और मैंने जो है ना ज़्यादा कुछ यहाँ पे किया नहीं क्योंकि कल मैं जब गया था ना वो पैलेस वगैरह तो बंद थे, लेकिन और अल्टी के एक्सपीरियंस, लेकिन इतना वो नहीं है जितना एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। इससे फिर वो गबाला ज़्यादा बेहतर था, हालांकि वो मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो ये देख सकते हैं जी, इस शहर का जो आर्किटेक्चर है ना, ये आर्किटेक्चर की वजह से काफ़ी मशहूर है। ये इसका ओल्ड आर्किटेक्चर है और अभी तक उसी तरह है, आप देख सकते हो ये घर वगैरह और इसकी ये बालकोनियाँ कितने खूबसूरत अंदाज से बनी हुई है। ये गाड़ियों का यार मुझे बड़ा वो है कि इतने पुराने गाड़ियाँ यहाँ पे चलती हैं। तो अभी ये देखिए ये यहाँ की ये जो घर है ना, ये इसकी बालकोनियाँ, इस चीज़ की वजह से ये बहुत फेमस है इवन अजरबैजान में भी और दुनिया में भी। अभी बस स्टेशन की तरफ जाना है, वहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है। ठीक ठाक सर्दी है, अभी सुबह का टाइम है 10-11 बजे, लेकिन ठीक ज़बरदस्त सर्दी है क्योंकि वो है बादल वगैरह है ना। ये 10-15 मिनट की वॉक के बाद मैं शेकी की सेंट्रल बस स्टेशन पे आया हूँ, और ये छोटे आप देख सकते हैं वैन से बाकू जाने के लिए तो रेडी है। और ये देखिए छोटी सी मार्केट है, इसमें दुकानें हैं, खूबसूरत स्टोर्स वगैरह है। बाकू के लिए तो जा रही है दो गुर्जिस्तान सरहद गिदियोर मुसन, हाँ बालाकन, बालाकन गिदियोर मुसन अवैध ओंदर उस तरफ है कह रहे। बालाकन मतलब एक करीबी शहर है ना। ये देखिए कैफे भी है इस स्टेशन में, टैक्सी बालाकन फोर्टे जॉर्जिया, हाँ नेकदर सुयबिलिरसन नेकदर तुर्चे बिलियोर मुसन ओके किर्कबेश जॉर्जिया, हाँ जॉर्जिया तक ये 45 मनात मांग रहा है, $20-22 ओके ओके तमाम। टैक्सी है इसके पास ठीक है, लेकिन मैं तो बस ढूंढ रहा हूँ, ये यहाँ पे मिलेगी अभी बड़ा ओके रेज बिल्कुल जॉर्जिया लेकर जाएगा वो। लेकिन ये है कि ये है छोटी छोटी जो है ना वो वेन्स है, ये जॉर्जिया के बॉर्डर के पास जाती है और ये तकरीबन 3-4 मनात लेती है यानी $2। तो देखते हैं इसका टिकट कहाँ से मिलता है। गाइस फाइनली ये एक वैन है, ये फाइंड कर ली है मैंने, ये जा रही है अपना एक और शहर है वहाँ जा रही है, ज़कातला नाम है उसका, जो जहाँ ये ज़कातला ये सिटी है ये बेसिकली वहाँ से 30 मिनट दूर है जहाँ मैं जा रहा हूँ बॉर्डर के पास, जो सिटी है बालाकन नाम है उसका। लेकिन उसकी बस निकल चुकी है, 10 बजे जाती है और 2 बजे जाती है, तो इसलिए ये वाला सिटी में मैं जाऊँगा और फिर वहाँ से आगे जो है वो हिच हाइकिंग की कोशिश करूंगा या कोई टैक्सी कर लूंगा। तो इसका 4 मनात का टिकट है यानी $2 का, और टिकट लेने की ज़रूरत नहीं, हालांकि टिकट अंदर मिल जाती है, सिर्फ आपको जस्ट ड्राइवर को ही पे करना है। अंदर से भी दिखाता हूँ, बिल्कुल 1960 की बस लग रही है। मतलब ये देखिए जी ये सीट्स है और ये लोग बैठे हुए।
अच्छा गाइस, वो हमारी जो वैन थी ना उससे मैं उतर गया हूँ। ये है सिटी, इसका नाम है ज़कातला। ज़कातला जो है ये अज़रबैजान का एक सिटी है, और वैसे तो एक घंटे का रास्ता था वो शिकी से जहाँ से मैं आया हूँ यहाँ, लेकिन इसने थोड़ा लंबा राउट लिया है ना, क्योंकि इसने सवारियाँ बहुत सारी उतारनी थी, बहुत सारी उठानी थी, तो उस वजह से तकरीबन दो घंटे लग गए। और अभी 2 बजे हैं, मैं 11 बजे 12 बजे वहाँ से हमने स्टार्ट लिया था ये जर्नी का। तो ये ज़कातला जो सिटी है ये आप कह लो कि आखिरी सबसे बड़ा सिटी है। तो यहाँ से जॉर्जिया का जो बॉर्डर है वो तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है, 30-40 मिनट लगेंगे। और यहीं पे वो बंदे ने कहा कि यहाँ पे आपको जो है ना एक और बस मिल जाएगी, वो बॉर्डर वाली सिटी, बॉर्डर के करीब एक और भी सिटी है, वो इससे छोटा है, ये प्रॉपर बड़ा सिटी है। और भाईजान ये इतना घटिया जो है ना, गाड़ी भी बहुत पुरानी थी, समझो कि 1960-70 के ज़माने की। और उसके अलावा जो है वो रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा ख़राब था, कटे थे, तो हमारा तो भाई बिल्कुल पसलियाँ टूटने वाली थी, लेकिन बड़े मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं। इनका लाइफस्टाइल बहुत पुराना है, रशिया के स्टाइल का, वो पुराने ज़माने का जो सोवियत यूनियन था ना, उस तरह का स्टाइल अभी भी इनका है। और साथ में जो है रोड्स बहुत ख़राब है, बाकू के बाहर जो है इनके रोड्स तबाह है भाई। ये भी काफ़ी ख़ूबसूरत सिटी है गाइस, ये जो वो है ज़कातला है, पता नहीं क्या नाम है इसका। ये देखिए यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह, डोनर वगैरह के रेस्टोरेंट्स है, और भी मतलब तमाम चीज़ों के शॉप्स वगैरह हैं। वो सामने मेरे ख्याल से वहाँ से बस जाएगी, और सिटी का बस ये स्टार्ट है, स्टार्ट पे इसने उतारा है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कुछ खाने पीने का, और उसके बाद जो है मैं फिर यहाँ से स्टार्ट लूँगा आगे जाने के लिए। तो काफ़ी हला गुला नज़र आ रहा है, मौसम तो ठंडा है, आप देख सकते हो ये बादल है, लेकिन लोग काफ़ी ज़्यादा आपको रश नज़र आएगा यहाँ पे। भाई ज़कातला जो है ना, इसमें ये आप देखें छोटी सी मार्केट आ गई है, अचानक लोग यहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं। ये बॉर्डर टाउन है ना, इसीलिए यहाँ पे वो कंटेनर्स वगैरह बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं जो यहाँ पे बाय मेन रोड से जा रहे होते हैं, जॉर्जिया वगैरह। और वैसे अभी एक बंदा मेरे पास आया है, कह रहे कि करेंसी एक्सचेंज करनी है अगर आपको तो मुझसे ले लो, जैसे तुर्किश लीरा या रोबल या जॉर्जिया की करेंसी लेनी हो। तो एक दो बंदे मेरे पास आए, तो मैंने कहा भी नहीं चाहिए, अभी देखते हैं आगे लेंगे कहीं पे। लेकिन ये बस एक छोटी सी मार्केट है, नज़र आ गई है, कैफ़े वगैरह भी है यहाँ पे। तो लेकिन ये 1960 वाली गाड़ी देख के पीछे आ रही है, 1960 की गाड़ियाँ आपको यहाँ पे इतनी नज़र आएंगी कि मज़ा आ जाएगा आपको, अगर पुरानी गाड़ियाँ देखने का शौक है आपको। व्हाट आर यू डूइंग? What is this, baby? Don't do it, okay? Buy a chasma. A chasma, dad. Shah donor. भाई ये out of nowhere, देखे अजरबैजान का ये वाला हिस्सा भी देख लो, बहुत जल्द यहाँ से जाने वाले हैं हम। Hello. वालेकुम सलाम, you speak English? नाम क्या है? स्किन राय। Okay, okay. गुरु शुरू हाँ पैसे पैसे बॉडी ओके यू स्पीक इंग्लिश। अच्छा गाइस, यहाँ ज़कातला के अंदर जो है एक रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, ये मैंने मंगाया है, वो है अपना डोनर है टर्किश स्टाइल का, और ये चोरबा है, बहुत बड़ा चोरबा है, और ये लेंटल का है। तो इधर थोड़ा घूमा हूँ, ये दो ही रेस्टोरेंट हैं, ये वाला है एक और है, तो बस मैंने कहा यही पे खाना खाता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। तो रेट बहुत मुनासिब है, 3 मनात का जो है ये शॉर्मा है, और 3 मनात का ये जो चोरबा है, साथ में ये रोटी भी देते हैं। तो लोग बड़े अच्छे हैं, मस्त है, लोग बड़े फ्रेंडली है यहाँ पे, और इंग्लिश भी आती है काफ़ी सारे लोगों को। तो अभी ये खाने के बाद जो है आगे का आपको बताऊँगा क्या करना है। मगर
फाइनली गाइस मैं यहाँ पे बॉर्डर सिटी जो है बालाकान पहुँच गया हूँ। 30 मिनट का रास्ता था वो दूसरे वाली सिटी से और सिर्फ 2 मनात यानी $1 कराया था। वंस अगेन वो पुरानी कटारा टाइप जो है वैन थी और बड़ा मज़ा आया लोगों के साथ, लोकल्स के साथ बात करके, गपशप लगा के। अभी ये छोटा सा बेसिक सा रूम लिया है, यहाँ मैंने कहा रात यही गुजारता हूँ और फिर कल सुबह जो है आराम से निकल जाऊँगा जॉर्जिया के लिए। तो ये सिर्फ 10 मनात यानी $6 का रूम मिला है और ये आखिरी टाउन है यहाँ पे अजरबैजान का। इससे सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले पे जॉर्जिया का बॉर्डर है। कल वहाँ जाऊँगा, यहाँ टैक्सी से भी जा सकता हूँ, फिर क्रॉस करूँगा जॉर्जिया में। और यहाँ के लोगों की लैंग्वेज भी बहुत डिफरेंट है, जो वहाँ पे बाकू और गबाला वगैरह में लोगों को तुर्किश समझ आती थी, यहाँ पे तुर्किश भी बड़ी मुश्किल से लोगों को समझ आती है। गाइज ये बालाकान सिटी के अंदर जो है ना काफ़ी सर्दी हो गई है शाम के टाइम और दुकानें भी ज़्यादा नहीं है, रेस्टोरेंट्स वगैरह स्पेशली जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ ना। तो मैं भी ज़रा सा थोड़ा सा वॉक कर रहा था तो ये एक डोनर वाला नज़र आया है, यहाँ से डोनर खा लेता हूँ क्योंकि शाम के 7 बजे है। और उसके बाद जो है फिर ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करता हूँ। गाइज अजरबैजान 5 साल बाद बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बड़ा मज़ा आया। महंगाई बाकू वगैरह में तो ज़्यादा हो गई है लेकिन ये इस तरफ आओगे ना ये छोटे छोटे शहरों में, यहाँ पे इतनी महंगाई नहीं है, यहाँ भी बहुत मुनासिब रेट है चीज़ों की और ऑथेंटिक लाइफ आपको मिल जाती है। बाकी डेवलपमेंट इस तरफ जो है ना बहुत कम है। अगला वीडियो जो है वो पूरा जॉर्जिया के बारे में होगा, जॉर्जिया में एंटर करूँगा, फिर आगे जाऊँगा, सारी चीज़ें आपके साथ उसमें शेयर करूँगा। ठीक है, अभी बस ये एक डोनर वाला है, बरकत डोनर, इसमें देखते हैं कि डोनर जो है लेके उसको कहते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। ये भाई लोग बना रहे हैं दुरुम, यस डोनर, ताज़े डोनर। ये जो है सरकान है, यहाँ काम करते हैं वो भी सरकान है, ये छोटा सा दुकान है। और ममनून आलदम, अच्छा जी फाइनली अपने व्लॉग को, पूरे अजरबैजान के व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। ये जो है ना एक और डोनर, क्योंकि यहाँ पे और रेस्टोरेंट्स नहीं है लेकिन बहुत अच्छा डोनर ये लोग बनाते हैं। रोटी में सिर्फ 3 अजरबैजानी मनात का होता है और बड़ा मज़े का होता है, तुर्की से भी बेहतर है। तो ये खाने के बाद इंशाल्लाह अपने होटल वापस जाऊँगा, फिर वहाँ पर सोऊँगा। कल से स्टार्ट करेंगे एक नया व्लॉग उसके बारे में, जॉर्जिया के बारे में, यहाँ से जाएँगे और पूरी स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आ गया होगा, अजरबैजान का जो बाकू से स्टार्ट किया और यहाँ पे इस बॉर्डर पे ख़त्म किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।